अब तो बस तेरा ही सहारा है, वरना मैंने तो इलायची के पापा से उम्मीद रखना ही छोड़ दिया था। जी जी, अरे भाई, अरे भैया, अरे छटंकी भैया, आओ आओ बैठो। अरे जी जी, क्या बताऊं? अरे भैया, ना मुझसे आते बन रहा है ना जाते बन रहा है, जी जी क्या करूं? क्यों क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? है, अरे जी जी कसम से बता रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कब्ज हो गई है मुझे। अल्लो, इसमें कौन सी नई बात है छटंकी भैया, तुम तो हमेशा ही कब्ज आए रहते हो, तुम्हें तो हर दूसरे दिन कब्ज हो जाता है। अरे दाजी जी, ये सब जेल के खाने का नतीजा है, वहाँ की सूखी सूखी रोटियाँ और अधपकी दाल खा खा के मेरे पेट की बैंड बज गई है, जी जी क्या करूँ? अच्छा तुम खाते क्यों हो छटंकी भैया? कितने टाइम हो गए तुम्हें जेल जाते आते, अब तक तो जेलर से दोस्ती हो गई होगी, अच्छी खासी जान पहचान हो गई होगी ना? अरे कैसी बातें करती है तू, है जेल में जेलर से दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन जेलर का ही तबादला हो जाता है तो मैं क्या करूं, बता पहले तू मुझे। ओहो, तो तुम एक काम करो, तुम ना अलीगढ़ जाकर के अपना परमानेंट इलाज करा लो, आयुर्वेदिक इलाज कराना। आयुर्वेदिक इलाज? शायद तू सही कह रही है। जी जी, मैं अगले महीने चला जाऊंगा, जब तक तू ये गोलियां संभाल के रख दे, कहीं गिराना मत ले। ये किस चीज की गोली है? अरे पेट साफ करने की गोलियां और काय की गोलियां, इतनी देर से पेट की बात कर रहा हूँ तो पेट की गोलियां होंगी, बातें कर रही है, पकड़। तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम खा लो ना। अरे मेरी बहना, अरे तुझे कितनी बार बताऊं मैं भूल जाता हूँ, अरे रात को मैं तुझसे ले लूंगा, ले पकड़। खुद ही रख दो ना छटंकी भैया, मैं याद दिला दूंगी रात को, ठीक है? बताओ, ये इज्जत है तुम्हारी, तकलीफ है फिर भी तुम्हें रख दो, रख देंगे भाई, क्या करें, हम ही रखेंगे। अरे भैया, अरे ड्रॉअर में रखा है, चल हाँ आ जा, देख मैं देखती हूँ कोई आ तो नहीं रहा, तू देख ठीक है? हाँ ठीक है, देख निकाल, चुप बैठ, डर लग रहा है, चुप करना, जल्दी निकाल, निकाली तू निकाल, रुक ये जल्दी करना, चल चल किसी ने नहीं देखा ना। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसी जी क्या इरादा है आपका, ये क्या सरप्राइज दे रही हैं आप, हमें डर लग रहा है। अरे सबर नाम की चीज नहीं है आपके अंदर, अरे यार थोड़ा तो सबर रखो। अच्छा अब मैं पट्टी खोलती हूँ, एक मिनट। हाँ तड़ा, अरे वाह इलायची जी, नया बक्सा, अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा है। और नए पर्दे, क्या बात है, अरे वाह क्या बात है इलायची जी, हमारा गिटार। जीजा जी ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर आइए और दिखाती हूँ। क्या और भी? अरे आइए तो, आइए आइए आइए, ये देखिए, अरे इससे आपकी सुबह और सुहानी हो जाएगी, कितने सारे फ्रेश पौधे हैं ना यहाँ पर, और यहाँ देखिए जीजा जी, ये देखिए तुलसी माँ, आप यहाँ पर आके पूजा कर सकते हैं, और वहाँ वहाँ देखिए ना, हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या बात है, अरे वाह चलो। क्या बात है इलायची जी, ये तो बहुत ही अच्छा है, है ना इलायची जी, अच्छा लगा ना, पूरी काया ही पलट दी है इसकी। किसने किया ये सब? संजू ने। क्या बात कर रही हैं आप, संजू जी ने किया, हमें तो पता ही नहीं था कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, इतना सोचते हैं हमारे बारे में। इलायची जी हम उन्हें अभी धन्यवाद बोल के आते हैं। अरे क्या करो, मैंने किया ये सब। आपने किया है तो
तो इलायची जी आप इसका श्रेय संजू जी को क्यों दे रही थी? क्योंकि आपका सवाल बहुत ही बेवकूफाना था। अरे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन आपके बारे में सोचने के लिए, बताइए। जी नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इलायची जी, हमने इस तरह से सोचा ही नहीं। दरअसल धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी कितने कमजोर हो गए हैं आप, मुझे लगता है आपके अंदर ना विटामिन्स की भारी कमी है जीजा जी। नहीं नहीं इलायची जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। कोई बस ना मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से साफ साफ दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर ना विटामिन्स की कमी है। नहीं 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 उसके लिए ना मैं ये लेकर आई विटामिन्स की गोली, मतलब इसमें सारे विटामिन्स हैं एक साथ, जो जो कमी होगी ना सारी पूरी हो जाएगी, पक्का प्रॉमिस, खा लो। देखिए हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं इलायची जी, हमें ये सब की जरूरत नहीं है, हम एकदम। अरे यहाँ लड़की फिक्रमंद हो रखी है, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ नखरे दिखाने हैं। भले ही मैंने ये विटामिन्स की गोली लेके आई, नहीं नहीं मैं एक काम करती हूँ, नहीं खानी ना आपको, ठीक है मैं संजू के पास जाती हूँ, उससे बोलती हूँ कि ये गोली खा ले। अरे वो ये गोली क्या, वो तो धतूरे की गोली भी खा लेगा, मेरे लिए मैं जा रही हूँ। एक सेकंड लाइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी एक बात बताइए, ये सब आपने किया अकेले? बस उन्होंने इतू से हेल्प की थी। इलायची जी आपका हाथ दीजिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी, आपने हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपको, मतलब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। समय आने पे बताऊंगी। समय आने पे आप डरा रही हैं अब हमें, आपका जब समय आता है ना तो हमारा जो समय है ना वो इतना अच्छा नहीं रहता जैसा हमने देखा है। चुप हो जाइए जी, आप मौसम के मजे लो मेरे साथ। इलायची जी अपना हाथ तो दीजिए। अरे बेटा सुनो, रुक। ये पापा यहाँ पे कहाँ से आ गए? हाँ पापा। बेटा तू कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, हैं? और जय तेरे हाथ में क्या है? वो पापा ये मैं गोली लेने गई थी। किस चीज की गोली है ये? मर गए। अरे कौन मर गया? भरी जवानी में अपने बाप को मार रही है बेटा? नहीं नहीं पापा, वो ये ना कब्ज की गोली है। अरे वाह, जीती रहे बेटा जीती रहे, इसे कहते हैं एक आदर्श बेटी। मैंने तुझे बताया भी नहीं कि मुझे कब्ज की तकलीफ है, और तूने इस जवान बाप की तकलीफ को महसूस भी कर लिया। वेरी गुड, ला बेटा ये गोली मुझे दे। अरे दे ना बेटा, दे 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 दे। ठीक है अब तू जा। ओ धनराज, बेटा पाल लगाया कि नहीं तूने? नाराज क्यों हो डार्लिंग? अरे ना बस ऐसे ही बस। क्या कहा तूने अभी, फिर से कहियो? डार्लिंग। अरे तेरे ये सुर कैसे बदले बदले से हैं? सुनार की दुकान पे कोई गहना तो ना देखे अपने लिए? क्या इलायची के पापा हमेशा गलत ही सुर पकड़ते हो? इतने प्यार से तू मुझसे कभी बात ना करती? तो क्या मैं हमेशा नफरत से बात करती हूँ तुमसे इलायची के पापा? ना इतने प्यार से भी ना करती, लेकिन तू तो आज कर रही हो ना? क्यों कर रही है? इलायची के पापा बहुत दिन हो गए हमें रोमांस किए। दिमाग खराब हो गया? इस उम्र में रोमांस करेंगे? क्यों मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? और अगर हो भी गए तो क्या बुढ़े रोमांस नहीं करते? क्यों नहीं, ऐसा है मैं रोमांस ना कर रहा, पता है क्यों? क्योंकि मेरा रोमांस हो चुका है बस। ये गोली खा लो, रोमांस जाग जाएगा। किसकी गोली है ये? रोमांस की गोली है, इसे खाते ही ना तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा इलायची के पापा। कौन लाया, पकड़ इसे, पहले पकड़ कौन लेके आया इसे? अरे वो चिड्डो लेके आए ना इलायची के पापा। चिड्डो? अरे तो पहले चिड्डो से कह जाके कि अपने पिंकी को खिलाए ये गोलियां। पिंकी को खिला चुके, अब तुम्हारी बारी है, लो खाओ। ना मैं ना खा रहा। खाओ। अब मैं खा ही ना रहा हूँ इलायची के पापा। मैं ना, तुम मेरी कसम खाओ ना।
तू ना करे से खाने से मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे कुछ ना होगा, सिर्फ रोमांस होगा, खाओ ना। अरे पता ना कैसा रोमांस होगा जो गोलियां खा खा के। इलायची के पापा कुछ हुआ क्या? ये हो रहा है बस। सुन सुन, मैं छोटे की दुकान पे जाके आ रहा हूँ। अगर रोमांस मेरे अंदर जरा आया ना, फीलिंग आई, तो दौड़ के आ जाऊंगा, ठीक है? अरे रोमांस आए। अरे भैया, अरे कुछ तो हरकत हो जाए भैया, बड़े परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कौन से तरीके का कब्ज हो गया है हमें। अरे क्या करे भैया, एक काम करता हूँ, हरकत की गोली खा लेता हूँ तभी। अरे अरे भैया ठीक कैसे होगा? अरे देखो सेठ जी, तुम्हारे नाम से खुल गई है। सेठ जी ऐसा है, टाइम ना लगाओ, ऐसे कैंची पकड़ो, फिर तो कहते खचाक से मारे, उद्घाटन कर दो भाषा, उद्घाटन। लो लो चलो अपने करो करो करो, सेठ जी शुरू करो। खुशी जो है संभाल ही ना जा रही है। चलो अच्छा भैया, मेरा काम शुरू हो। हाँ ये बात बढ़िया, जल्दी आए ये चली 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 मौसा। ओए मुबारक हो बेटा सेठ जी, दिल खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। लो बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, भटूरा भी रेडी है। अरे वेंकी जी। हाँ जी भाई, आपको इस तरह ये बाबर जी का काम करते देख के ना बड़ी हैरानी थी हो रही है मुझे। गलत लाइन में चले गए आप, पुलिस लाइन में, आपको तो बाबर जी का ही काम करना चाहिए। सेठ जी आपने ना मेरी दिल की बात कह दी, कसम से। बिल्कुल सही कहा आपने, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ तो भटूरे तल्ले। मंगीलाल तूने कुछ कहा? बेटा मैंने कहा भटूरे तल्ले। मंगीलाल तू कुछ ज्यादा ही बदतमीज ना होता जा रही है, पिंकी जी देख रहे हैं। अच्छा तू क्या कर रही है, तू भी तो बदतमीजी कर रही है पुलिस ऑफिसर के साथ है। बेटा शायद तू भूल गया है कि पिंकी जी भी पुलिस अफसर हो रखे, वो भी तुझसे सीनियर। अरे यार छोटे कैसा आदमी पाल रखा है यार। अरे लेकिन इस टाइम पे तो छोले भटूरे बना रहे ना तू, तो छोले भटूरे पे ध्यान दे, पुलिस गिरी दिमाग से निकाल, टाइम बर्बाद मत कर, बढ़िया बना, बढ़िया बना रही नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा छोटे देख, दुकान का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तू जल्दी से सेठ जी को छोले भटूरे खिला और श्री गणेश कर। पिंकी बढ़िया सी थाली लगा, ऐसे पहले पोछ, प्याज व्याज बढ़िया से सजा और बढ़िया से पेश कर सेठ जी के लिए। गर्मा गर्म बनवाऊंगा। लगाओ पिंकी जी, लगाओ लगाओ। छोले भटूरे बनाए भी बहुत बढ़िया है, गरम गरम। मतलब इतनी खुशी हो रही है छोटे, मैं क्या बताऊं, बस एक बार ये मेरे मुंह में गया और तेरा धंधा ऐसा चला के तू देख। क्या हुआ? अरे खाइए सेठ जी। मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं। मिर्च मिर्च है क्या ज्यादा, क्या क्या समझ नहीं आ रहा? पकड़ एक मिनट साइन, छोटे मेरे जो है पेट में गड़बड़ हो रही है कुछ है? है? अरे जब कुछ खाया ही नहीं है पहले से गड़बड़ सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? एक एक मेरे हाथ से खा के दे। अरे एक मिनट, अरे ना, अरे सुनो, अरे लाइची कैसी है, अरे कहाँ जा रही हो सेठ जी? अरे मुहूर्त तो करके जाते। एक मिनट पापा, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं लाइची, पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। हमेशा हमसे कहते रहते हो कि बाहर का खाना मत खाओ, और खुद मतलब सुबह से शाम तक में ना 50 प्लेटें खाली कर जाते हो आप ये दही कचौड़ी की। अरे बकवास मत कर तू अपनी। तब जानती हूँ मैं,
आप भी ना मतलब कस्टमर्स के लिए मंगाते हो दही कचौड़ी और सारी प्लेटें मतलब खुद ही खाली कर जाते हो कचौरियों की, है ना? मुझे सब पता है। वो बंद करेगी अपना ना करेगी। ओके पापा। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पता नहीं क्यों इलायची जी आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। एक मिनट ना, हटो। क्या इलायची जी क्या कर रही हैं आप? हटो। रुकिए तो सही, हमारी बात तो सही। इलायची जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। इलायची जी, अरे आप यहाँ? आप कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? इलायची जी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंचम लव्स इलायची जी। लगता है गोलियां काम कर रही है। इलायची जी हाँ, हमें आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप जाओ, जाओ। सुनिए तो इलायची जी, जाओ। हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं इलायची जी, एक बार सुन लीजिए ना, हमारी बात तो सुन लीजिए। इलायची जी प्लीज एक बार। गुड नाइट इलायची जी। अरे इलायची जी, इलायची जी गुड नाइट। इलायची जी, इलायची जी, अरे यार कहाँ रह गई ये सुनीता जी, अभी तक ना आई। हाय। अरे सुनीता जी हाय। I'm sorry, मैं थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, आप आ तो गई। और बताइए खाना खा लिया? खाया। आपने? हाँ हमने भी खा लिया। क्या खाया? हमने हमने ना मूली की सब्जी और रोटी। आपने? भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी? हाँ। हमें भी बहुत पसंद है। सुनीता जी आपके पापा सो गए? पिंटू जी पापा तो ना सोने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों यार? बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? पापा ने ना रोमांस वाली पिल खा ली। पिल्स? अरे गोली, रोमांस वाली गोली खा ली। रोमांस वाली गोली? अरे सुनीता ये सब भ्रम है, कुछ ना होता। रोमांस रोमांस वाली गोली कुछ होती ना है, कुछ ना होगा उन्हें। उफ यार मैं कह रही हूँ। हाय रब्बा। अरे पर तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी सर्दी पड़ रही है बेटा, तू बीमार हो जाएगी। नहीं नहीं पापा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? एक काम कर, अंदर जाकर दूध गर्म कर और पीकर सो जा। हैं? गुड नाइट पिंटू भाभी, पापा जल्दी आना। हाँ गुड नाइट सुनीता जी। गुड नाइट। पिंटू जी। पिंटू जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना, देखिए मुझसे कैसा शर्माना, मैं तो आपका दोस्त हूं ना। खोलिए ना पिंटू जी दरवाजा खोलिए, देखिए देखिए दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा और खिड़की भी तोड़ दूंगा। एक दो तीन। मैं ना घबरा गई थी, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कू
इलायची के पापा को ना ये चमेली का सेंट बहुत पसंद है। इलायची के पापा क्या महसूस कर रहे हो? अरे अरे पेट में ना बस थोड़ी धकुर पुकुर सी हो रखी है। अच्छा ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर ना रोमांस की सुनामी आ रही है। अरे रोमांस की ना कोई और ही सुनामी लग रही है। अच्छा? मेरे पेट में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। इलायची के पापा अरे हाँ रुको अरे अब ना रुका जाएगा। इलायची के पापा अब ना रुका जाएगा। इलायची के पापा अरे अरे भाग टूट गए।